नमस्कार, मेरा नाम है नीतू चंद्र और आप मुझे देख रहे हैं देसी फीड पर। क्योंकि अक्षय सर सीनियर है, टाइगर और मैं बड़ी बहन बन सकती हूँ, मैं उसकी बड़ी हूँ। आई थिंक वी कैन डू अ एक्शन फिल्म टुगेदर, बट आई कैन डू बेटर एक्शन फॉर श्योर। आई ओनली अंडरस्टैंड अ गुड सिनेमा और अ बैड सिनेमा। मेरी मम्मी ने पहली बार बोला कि अरे इसमें तो बहुत ही हॉट लग रही हो तुम। आई वाज लाइक सब एक रेनोवेशन फेज से गुजर रहे हैं। क्वांटिटी में काम नहीं करती हूँ, क्वालिटी चूज करती रहती हूँ। वहाँ रहकर मैं हर तरह के जगह जाके काम करूँ। कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट, लैंग्वेज इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ईंट से ईंट जोड़ जोड़ के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। दुनिया में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, दो ही जन रोक सकते हैं हम लोगों को, या तो भगवान या तुम खुद। हे गाइस, मैं नम्रता। आज मैं आपको जिनसे मिलाऊंगी वो है बेहद खूबसूरत, साथ ही उन्होंने अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने टैलेंट के जरिए भी आपका दिल खूब जीता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नीतू चंद्रा जी की, जो मेरे साथी। नीतू, आपका बहुत बहुत थैंक यू। नम्रता, थैंक यू। इश्का मैंने देखा है जो काफ़ी मतलब धमाकेदार है, तो कैसे आपने ये प्रोजेक्ट चूज़ किया और क्या कुछ नया इसमें आप कर? तो इसमें वह बहुत ही डिफरेंट लुक है, एक अवतार ही अलग है और डांस मुझे करने का मौका मिला है। राज आशु जो इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, वो जो मेरे पास लेकर आए थे, तो ही सेड यू नो वी वांट यू टू डू अ डांस नंबर। आई सेड डांस नंबर, व्हाट डू यू मीन? ही सेड सिंगल पायल देव ने गाया है और बहुत ही अच्छा गाया है, और पायल की आवाज़ ही बहुत यू नो एक रस्टिक, एक वेरी हस्की, बहुत सुंदर आवाज़ है जो मैं उससे कनेक्ट करती हूँ। मैं बिल्कुल गा नहीं पाती हूँ, आई कॉन्ट सिंग अर ऑल, बट जब मैं ऐसे सिंगर्स सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ अगर मैं गाती तो ऐसी होती। तो मैं पायल से कनेक्ट करती हूँ काफ़ी, एंड ये सॉन्ग को मुदस्सर कोरियोग्राफ करने वाले थे जब मेरे पास आई थी, तो एंड मुदस्सर कोरियोग्राफ इट वेरी ब्यूटिफुली। तो ये पूरा गाना मुरली अग्रवाल जी ने लिखा है और इतना सुंदर ये पेपी नंबर बन के आया मेरे लिए। इंडस्ट्री में कहते हैं कि पॉपुलैरिटी आपको गाने डांस से आती है, राइट? और मेरी लाइफ में जितने भी काम मैं करती हूँ, प्लेस करती रही, फिर ट्रैफिक सिग्नल ओ लकी, या जितनी भी मेरी और फिल्में रहीं, 13 भी या रन विथ मिस्टर बच्चन, ये जितनी भी फिल्में मैंने की हैं, इसमें गाने बहुत कम रहे हैं। तो पब्लिसिटी मार्केटिंग हमेशा गानों से होती रही है। तो अभी इसके पहले मैंने रेखा भारद्वाज का म्यूज़िक वीडियो किया था, उसके पहले राहत फतेह अली खान सर का वीडियो किया था, तो काफ़ी अच्छे वीडियोज़ आए थे, वो भी रोमांटिक नंबर्स थे, पर ये डांस नंबर था। और जो मुझे मौका देता है एज एन एक्टर भी अपने आप को एक्सप्लोर करने का, वर्सिटैलिटी का, यू नो हर चीज़ में काफ़ी एफर्ट था, तो बहुत मज़ा आया और मैंने कर लिया। इश्का मैंने आप अलग अंदाज में दिखाई दे, एकदम डिफरेंट, तो मुझे ये जानना है कि आपको अपने करीबियों की तरफ से किस तरह का फीडबैक मिला जो आपके दिल को एकदम छू गया? मेरे जितने भी करीब हैं उनको पता है कि मैं बहुत ही अलग दिखती हूँ हर चीज़ में। बाल बांधूंगी तो अलग, बाल स्ट्रेट तो अलग, कर्व बाल कर्ल होते हैं तो अलग, तो विच इज़ आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। मेरे अपने क्लोज लोगों ने ये सोचा कि यू नो सब लोग जब मैं उमराव जान करने लगी, सबको लगा कि मैं बहुत सीरियस सिनेमा करती रहूँगी और कभी, तो मैं ना सीरियस सिनेमा, बड़ा सिनेमा, छोटा सिनेमा, आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग। आई ओनली अंडरस्टैंड अ गुड सिनेमा और अ बैड सिनेमा, गुड स्क्रिप्ट और बैड स्क्रिप्ट, गुड सॉन्ग और अ बैड सॉन्ग। तो मेरे अपने लोगों ने बोला अरे तुमने इतना अच्छा डांस किया, हमने तो सोचा ही नहीं था कि तुम ऐसे डांस भी करोगी। मैंने कहा अरे डांस का मौका आया तो डांस किया, और उमराव जान का मौका आया तो उमराव जान भी किया था। तो इस तरह से मतलब एनकरेजमेंट भी मिल रहा था, और मेरी मम्मी ने पहली बार बोला कि अरे इसमें तो बहुत ही हॉट लग रही हो तुम। आई वाज लाइक मॉम मैं सुना ही नहीं क्या बोला आपने, बिकॉज़ आज भी मैं यूपी बिहार से आती हूँ और वहाँ पे भी तुम बड़ों से इस तरह से या उनसे ऐसी बातें सुनने नहीं सुनते, लाइक एक लिहाज की बात होती है वो मैं हमेशा रखती हूँ। तो मेरी मॉम ने बोला इसमें तो तुम बहुत हॉट लग रही हो, आई एम लाइक मैंने नहीं सुना लेकिन कहीं ना कहीं उनको उनके कहने का मतलब जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हर तरह से तुम बहुत अच्छी लग रही हो इसमें। एंड मम्मी ने भी ये बात बोली कि अच्छी बात ये भी है कि तुमने आई वांटेड दिस सॉन्ग टू बी यू नो टू बी फॉर दोज पीपल हु बिलीव इन वेल टोन कर्वेशियस बॉडी। सबकी बॉडी बहुत स्किनी रहती है, राइट? मैं स्पोर्ट्स गर्ल रही हूँ बचपन से, तो मेरी बॉडी कभी स्किनी नहीं रही है और आई एम वेरी वेरी कंफर्टेबल इन माय बॉडी टाइप। मुझे लगता है कि एक पतली बॉडी होती है, एक बड़ी बॉडी होती है जिसको कहते हैं कि बहुत ही मतलब यू आर फैट और यू आर प्लम और हेल्दी, और एक स्पोर्ट्स बॉडी होती है, और मेरी स्पोर्ट्स बॉडी हमेशा से रही है जो भी मुझे जानते हैं, क्योंकि मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया है 3 बार टाइक्वांडो में, एंड बास्केटबॉल प्लेयर रही हूँ और खेलती रही हूँ बचपन से बेसिकली। सो
इसी उसको मैं पोर्ट्रे करना चाह रही थी और इस गाने में आपको ऐसे दिखेगा। आपने ये कमाल की बात कही जो है। साथ ही एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पूछना है कि आपका इतना बड़ा करियर रहा है लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि अब ऑडियंसिस का नज़रिया फिल्मों को लेकर बदल गया है, उस पर आपको लग रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि अब ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं, तो क्या कहेंगे? सी ऑडियंस, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इंडस्ट्री, हर तरह की इंडस्ट्री, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, टीवी इंडस्ट्री हो, या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो, जितने भी हो, सब एक रेनोवेशन फेज से गुजर रहे हैं और अच्छे काम की तलाश हम सबको रहती है। हम सब ढूंढते रहते हैं अच्छे कॉन्टेंट, शायद इसीलिए मैं बहुत क्वांटिटी में काम नहीं करती हूँ, क्वालिटी चूज़ करती रहती हूँ। बहुत लोग मुझे चूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीज़ लोग हैं करने के लिए, मतलब ठीक है, सबकी अपनी भी किस्मत है। मेरा काम बस ये रहता है कि बेस्ट चीज़ों को चूज़ करूँ और काम करूँ। इसीलिए अब मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट के लिए बहुत फाइट कर रही थी कि ये स्क्रिप्ट मुझे क्यों नहीं, ये एक्शन फिल्म है तो मैं तो ट्रेन एक्शन आर्टिस्ट हूँ तो मुझे एक्शन, लेकिन मुझे बाद में रियलाइजेशन मतलब एक होती है कि वो प्रोजेक्ट उसी को जानी थी, चाहे वो प्रोजेक्ट की कुछ भी किस्मत हो, लेकिन वो प्रोजेक्ट उसी एक्ट्रेस को जानी थी तो उसको चली गई। लेकिन चूंकि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ तो मेरा ये भी है कि एक्टिंग और मार्शल आर्ट्स को मिला के एक्शन फिल्में करना के बिना तो मेरी ज़िंदगी अधूरी ही रहेगी, चूँकि इंडिया में कम एक्शन फिल्में होती हैं। तो मैं ऐसी जगह जाके रहना चाहती हूँ जहाँ हर थर्ड फिल्म, फोर्थ फिल्म एक्शन फिल्म ही होती है, तो कहीं ना कहीं मुझे वो मौका मिलेगा। और इसीलिए आपसे ये भी कह सकते हैं कि जो फिल्मों में मेकर सिलेक्ट करते हैं एक्ट्रेसेस को या एक्टर को, तो वो उनके टैलेंट के बेस पे कम, कांटेक्ट के बेस पे ज़्यादा होता है? ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कंफर्ट जोन होता है। आपने किसी के साथ काम किया है तो आपको अच्छा लगता है काम करना और वो एनर्जीज अच्छी लगती है, पॉजिटिविटी अच्छा लगता है, तो वो ग्रुप बन जाता है, एक कैंप हो जाता है, एंड देन यू कीप रिपीटिंग द टीम एंड एक्ट्रेसेस और एक्टर्स। टैलेंट के हिसाब से भी बहुत काम होती है, जैसे आप देखिए कोंकणा शर्मा हो या बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनको तुम यू लुक अप टू देम एंड से ओ माय गॉड व्हाट एन अमेजिंग एक्टर्स, यू नो। तो ऐसे करके भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो जिनको एक्टर्स के मतलब अगर बिजनेस या कमर्शियल एंगल ना देखा जाए तो टैलेंट के हिसाब से भी बहुत सारा काम होता है। बहुत सारे काम की बात हो गई, लेकिन इश्का जो है मानसून के मौसम पे आया है, तो आप बारिश को कैसे इन्जॉय करती हैं, क्या करना पसंद करती हैं? वेल, बारिश में तो मतलब एक यशराज सर का गाना लगा दीजिए आप और छत पे चले जाइए और वीडियो दूर से अपने भाई को बोलिए कि स्लो मोशन में वीडियो बनाए आप, और दुपट्टा ऐसे करते हुए बारिश होते हुए भीगते जाइए। और श्री देवी जी की बहुत सारे गाने हैं जो हम लोग को बहुत पसंद आता है। आई थिंक इससे अच्छा खूबसूरत बारिश इन्जॉय करने का कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज मैं पकौड़े और चाय नहीं पीती हूँ। तो टिपिकली जब सब लोग बोलते हैं अरे आप पकौड़े चाय नहीं पीने का, नहीं, मैं ये मेरा ये रहता है कि दुपट्टा उड़ता रहे, स्लो मोशन में वीडियो बनता रहे, मेरा यशराज के कोई गाने बजा दो और छत पर मैं डांस करूँ। और बॉलीवुड और बारिश का भी काफ़ी क्लोज कनेक्शन है, तो कोई बॉलीवुड का बारिश से रिलेटेड गाना आपको जो बहुत पसंद है? बिल्कुल, और मैं डांस भी करती हूँ हमेशा, अभी नहीं कर सकती, बस मेघा रे मेघा। श्री जी ने बहुत ही सुंदर डांस किया इस पर। तो मानसून की बात हो गई, इश्का की बात हो गई, और अपने दर्शकों के लिए और क्या कुछ खास लेकर आए? बहुत जल्दी आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें अब फाइनली रोटेशन में हैं और बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि क्वालिटी वर्क में थोड़ा टाइम लगता ही है और मैं कोई किसी बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ, तो हर बार को क्रिएट करती हूँ, को अपॉर्चुनिटीज़ बनाती हूँ खुद के लिए। बहुत बार चीज़ें आती हैं उसको मना भी करती हूँ, जबकि मेरे पास नहीं होती कोई चीज़ें, फिर भी मैं मना कर देती हूँ। मुझे लगता है कि सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए, आई एम अलाइव रहने के लिए, दिखाने के लिए मैं नहीं काम कर सकती हूँ। आई एम अलाइव एंड आई एम योर, अब वो आप मतलब मुझे भगा नहीं सकते, मैं यही रहने वाली हूँ। सो अच्छे प्रोजेक्ट्स का इंतज़ार करती हूँ, और अभी एक शॉर्ट फिल्म किया है द वर्स्ट थे, वो आ रही है, एक वेब सीरीज़ है वो कर रही हूँ, दो फिल्में हैं, एक स्पोर्ट्स फिल्म है वो कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो रोटेशन में आनी चाहिए, और मैं 3-4 साल से थिएटर ही करती रही हूँ और उसी पर ध्यान रखती रही हूँ। हॉलीवुड पर भी आपकी नज़र है, हमें खबर मिली।
नहीं, अभी मैं लॉस एंजलिस में रहती हूँ, मैं बेस्ड आउट हूँ वहाँ से, लेकिन आइडिया क्या है कि वहाँ रहकर मैं हर तरह के जगह जाके काम करूँ। इंडिया में भी आना है तो मैं फटाक से आ जाऊँ, काम करूँ, निकल जाऊँ, ऐसा कुछ ये नहीं है कि वो यहाँ पे नहीं कर सकती हूँ। मैं बिल्कुल यहीं पर काम कर रही हूँ, हिंदी फिल्में यहाँ करूँ या वहाँ पर भी फिल्में शूट होती हैं हिंदी में भी, हिंदी तो मतलब अपनी बोल चाल की भाषा ही है, तो हिंदी में तो मैं काम करूँगी ही, वो तो मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। और वहाँ पर एल ए में इसलिए रहती हूँ क्योंकि इंग्लिश फिल्म्स जो सेटअप हैं वो है, बट मैं एक कोरियन टीवी सीरीज़ भी कर रही हूँ, उसका नाम है नारी, अभी एक स्पेनिश फिल्म चल रहा है। पीपल लुक एट मी, उनको लगता है कि मैं ब्राज़ीलियन, स्पेनिश, इटालियन, ऐसा लेबनन, इस तरह की हूँ, विच इज़ ग्रेट, बिकॉज हिंदुस्तान में सब लोगों के चेहरे वहाँ के लोगों से मिलते हैं जो वहाँ के लोगों को कम पता है, तो जब वो हमें देखते हैं तो उनको लगता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि मेरे दिमाग में आ गया कि मैं ग्लोबल एक्टर हूँ, और हाँ, तो आज के टाइम पे लिमिटेड काम नहीं है, आप कहीं भी जाके अपना काम कर सकते हैं, हर भाषा में काम कर सकते हैं, भाषा सीमित नहीं है वर्क, कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, लैंग्वेज इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, आप डिफरेंट डिफरेंट भाषाओं में काम करिए। और आज के टाइम पे तो सब लोग जाके हर अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, तो LA में बैठ के मैं अभी एक एक्शन मूवी पर भी काम कर रही हूँ, सो उसमें ट्रेनिंग चल रही है। मुझे ना एक इंटरेस्टिंग बात आपसे ये जानने कि आपने हर तरह के किरदार मोस्टली निभाए, लेकिन कोई एक किरदार आपके जहन में हो कि ये किरदार मुझे निभाना है, कोई एक ऐसे एक्टर का नाम बताए जिनके साथ वो निभाना चाहती है, और वो डायरेक्टर बॉलीवुड से। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं स्पोर्ट्स फिल्में करूँ, एक्शन फिल्में करूँ, बहुत सारी फिल्में हैं जो मेरा दिल होगा करने का। और जैसे एक्शन मूवी भी हो तो मैंने बहुत दिनों से ना बॉलीवुड में ही हिंदी फिल्मों में भाई बहन का की कोई फिल्म नहीं देखी है। आपने देखा होगा कि पहले भाई बहन की भी बहुत सारी फिल्में बनती थी, अब जैसे मुझे ऐसा लगता है कि टाइगर श्रॉफ के साथ टाइगर और मैं बड़ी बहन बन सकती हूँ, मैं उसकी बड़ी हूँ और टाइगर जानता है अच्छी तरीके से, तो आई थिंक वी कैन डू अ एक्शन फिल्म टुगेदर। डायरेक्टर कुड बी एनीबडी, जो अच्छे एक्शन डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स कुड बी एनीबडी हु कैन डायरेक्ट अस रियली वेल, बट आई थिंक ब्रदर सिस्टर की एक्शन फिल्म दो, हाँ जैसे दोनों आर्मी में हो या एक नेवी में हो एक आर्मी में हो, या हो सकता है कि कुछ टाइगर का जिसका जैसा लुक है वो इंटरनेशनली किसी और आर्मी में हो और मैं यहाँ की आर्मी में हूँ और हम कहीं और मिल जाते हैं, इस तरह की कुछ भी हो सकती है। हो सकता है मैं स्टेप सिस्टर हूँ और फादर सेम हो, कुछ भी हो सकता है, बट मुझे लगता है कि क्योंकि टाइगर इज़ अ गुड मार्शल आर्टिस्ट एंड वी कैन ऑलवेज वर्क लाइक अ ब्रदर सिस्टर ऑन अ प्रोजेक्ट टुगेदर, एंड गाना डांस करने के लिए ही डज विद एवरीवन व्हिच इज़ ग्रेट, एंड आई कैन नॉट डू बेटर देन दोज गर्ल्स हु आर डूइंग, आई कैन ट्राई इट बट आई कैन डू बेटर एक्शन फॉर श्योर, दैट इज़ वन थिंग व्हिच आई एम लुकिंग एट। एंड व्हेन कम्स टू सीनियर डायरेक्टर्स एंड एवरीबडी, मुझे लगता है कि कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं जैसे अनुराग कश्यप एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो वर्सेटाइल हैं, उनके थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे हैं और बहुत पॉजिटिव, जैसे सेक्रेट गेम्स भी उन्होंने बनाया, तो बहुत सा उस तरह की कुछ फिल्में भी बन जाएँ या वेब सीरीज़ भी आ जाएँ, तो आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। मुझे एक ये भी बात जाननी है कि जैसे कई सारी बड़ी फिल्में बॉलीवुड में बनी है, तो आपके पास कोई ऑफर आया हो और उस वक्त आपने थोड़ा मन हिचकिचा गया और ठुकरा दिया, लेकिन अब लगता है कि यार ये फिल्म या ये जो शो है कर लेना चाहिए? नहीं, ऐसी कोई फिल्म नहीं आई थी मेरे पास जिसमें मुझे ठुकरा देना पड़े, बिकॉज मैं कोई बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ कि मैं उस पोजीशन पर रहती हूँ कि कोई अच्छी स्क्रिप्ट आ जाए और मैं ठुकरा दूँ। ईंट से ईंट जोड़ जोड़ के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और हर और ये बहुत ही ग्रैटिट्यूड की बात है और इसमें कुछ छुपाने की भी बात नहीं है, मेरे लिए कोई प्लैटर में चीज़ें रेडी रख के कभी नहीं रही हैं। मैंने हर फिल्म के लिए ऑडिशन दिया है और बहुत बार मेरे पास कुछ भी नई प्रोजेक्ट रहता है फिर भी मुझे ना बोलना पड़ता है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट वैसे होती है जो मैं ही शायद नहीं देखना चाहूँगी अपने आप को वैसे, तो या क्वालिटी काम करने में बहुत पेशेंस और बहुत ही बातें सुननी पड़ती हैं, प्रेस मीडिया भी लिख देती है शी इज़ गॉन, शी इज़ लेफ्ट, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं तो मतलब यही रहूँगी, मैं यहीं पे 17 साल की उम्र से बॉम्बे में
मैं गरम मसाला और ये सब से करती आई, एड्स करती रही, फिर गरम मसाला, ट्रैफिक सिग्नल, ओए लकी और सारी तमाम फिल्में जो भी मैंने की. अब बीच में जो ये गैप भी था वो इसलिए भी था क्योंकि आई लॉस्ट माई डैड टू कैंसर. फिर मैं अपने फैमिली के भी साथ ही रहती थी, फिर अपने भाई के साथ मैं फिल्में प्रोड्यूस करती रही. और अब मुझे लगता है एज अ लड़की, और सारी जो लड़कियाँ सुन भी रही हैं ना, खुद को वो अपॉर्चुनिटी दो, अपने उस टैलेंट को अपॉर्चुनिटी दो जो तुम्हें लगता है कि किसी के कारण रोक दिया जा रहा है या रुक सकता है. यू नो, दुनिया को प्लेटफॉर्म बनाओ, मेक इट अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म. तुम्हें रोक वही सकता है जो तुम्हारे लिए खड़ा है. और दुनिया में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, दो ही जन रोक सकते हैं हम लोगों को, या तो भगवान या तुम खुद, दो और कोई रोक ही नहीं सकता. मतलब मुझे लगता है कि जो दूसरा इंसान जिसको भगवान नहीं बनाया वो कैसे तुम्हें रोक लेगा, क्योंकि तुमको भी तो भगवान नहीं बनाया है. तो ये और हम सब एक दूसरे को कैसे डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं जबकि हम सेम हवा में सांस ले रहे होते हैं. हमेशा डिस्क्रिमिनेशन में लड़ाइयाँ होती रहती हैं. मैं सोचती हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पूरी दुनिया के जितने लोग हैं सब सेम हवा में जब सांस लेते हैं तो आप कैसे डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं, कैसे कैसे पॉसिबली है ये. सो आई पर्सनली फील कि मैं ऑल आउट जाके अपनी अपॉर्चुनिटीज़ बना रही हूँ. हाँ, ज़रूर ये बात है कि बहुत बार मुझे नहीं मिलता वो जो मुझे चाहिए, लेकिन रुक तो नहीं सकते ना. अगर किसी को मेरे साथ काम नहीं करना, कोई बात नहीं है, थैंक यू बोल दो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. इतने सारे लोग काम कर रहे हैं और एंड मेरा तो खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है, तो मैं उस स्पोर्ट्स के कारण मैं कभी उस कैटेगरी में नहीं आई हूँ नम्रता जहाँ पे मुझे इनसिक्योर फील हुआ है कभी भी. मुझे हमेशा ही कॉन्फिडेंट फील हुआ है और स्पोर्ट्स इज़ द रीज़न फॉर मी टू सर्वाइव ऑल्सो, बिकॉज मेरी कंपेनियनशिप ही स्पोर्ट्स से थी, उसके पेशेंस से थी, उसके डिटर्मिनेशन से थी, उसके नेवर गिविंग अप एटीट्यूड से थी. करते रहो, रुकना नहीं है, यही मुझे आता है. मुझे पता ही नहीं कैसे रुक जाते हैं लोग. काम में हमें बखूबी दिखता है. मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपने गरम मसाला में भी काम किया जिसमें अक्षय और जॉन दोनों थे और दोनों की फिल्म एक ही दिन रिलीज़ हो रही है, बाटला हाउस और मिशन मंगल, तो आप किसकी फिल्म देखना पसंद करेंगे एक ही दिन? भाई दोनों की ऑफ कोर्स, क्योंकि दोनों के नहीं, क्योंकि अक्षय सर सीनियर है इसलिए मैं अक्षय सर की फिल्म देखूंगी, लेकिन मैं दोनों देखूंगी. व्हाई आई टेल यू, बिकॉज दोनों ही अपने में कमाल के हार्ड वर्कर हैं. आई लुक अप टू बोथ ऑफ देम एज you know, as somebody who comes from fitness and determination and discipline and, you know, वो रहता है ना fire to never give up. वो अक्षय सर एंड जॉन both are like that. And ये दोनों की promos भी इतने amazing दिख रहे हैं, बाटला हाउस के और मिशन मंगल के, दोनों ही की promos इतने amazing दिख रहे हैं. और सारी उसमें जितनी भी actresses हैं वो भी बहुत ही अच्छी दिख रही हैं, खासकर अक्षय सर की फिल्म के जितनी भी एक्ट्रेस हैं सब ने अलग अलग फिल्मों में भी उनके साथ काम किया है, चाहे वो तापसी हो, चाहे विद्या बालन हो, सोनाक्षी हो, एवरीबडी हैज़ वर्क इन डिफरेंट डिफरेंट फिल्म्स विद हिम. सो यू नो आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ फिल्म्स लाइक दीज, चाहे उसमें 6-7 लड़कियाँ हों लेकिन सबकी एक ट्रैक है, सबका एक यू नो एक तवज्जो दी गई है हर किरदार को. तो यू नो I would love to see both and good luck to both of you guys. And you know, you guys have literally guided me and inspired me in different ways since I was launched with both of you. So I'm going to watch both of the films. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. आपके अगले projects के लिए बहुत-बहुत बधाई. Thank you. Thank you.